हे गाइज व्हाट्सएप, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे और एक नए ब्लॉग पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। सो गाइज, मैं आज जा रहा हूँ माइक लाने। तो मेरा माइक मैंने किया था ऑर्डर, आज 14 तारीख है तो मैंने किया था, 11 तारीख को ऑर्डर किया था और मेरा आ चुका है। तो मैं अभी नैना टिक्कर में हूँ, नैना टिक्कर के देख सकते हो ऑफ रोड पे। और यहाँ से ऊपर से जो हाईवे है ना, वहाँ से तो वो बिल्कुल लंबा पड़ता है, बट यहाँ से थोड़ा शॉर्ट है। तो मैं अभी ऑफ रोड होके जा रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या हुआ था ना, जो मेरा माइक है ना, बारिश में भीगने के कारण, दो चार दिन पहले मैं राइड पे गया था तो बारिश में भीगने के कारण मेरा माइक ख़राब हो गया। तो सबसे पहले मैं उसमें मैंने क्या किया, बैटरी चेंज किया, बट बैटरी से भी कोई नहीं चला। तो वो था बोया का माइक, बोया M1 का था, वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने जैसे तैसे किया बट चल ही नहीं रहा हूँ माइक। तो मैंने ऑर्डर किया है माउनो का। तो 11 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था, तो अभी आ चुका है। अभी बज चुके हैं 5 बजने वाले शाम के। तो अभी जाऊँगा मैं, जाते जाते मेरे को बज जाएगा 6 तक, तो 6 बज जाएगा तब तक मैं लेके आऊँगा। और ये देख सकते हो गाइस, मेरा पल्सर NS 200। तो एक्चुअली ये बाइक कहाँ से आया मेरे पास, तो इसका कहानी बहुत लंबा है। तो अभी तो मेरे पास माइक नहीं है, ऐसे ही शूट करूँगा। तो आते समय इसके बारे में बता दूँगा कि मेरे बाइक के साथ क्या क्या हुआ और मैंने क्यों पल्सर 200 लाया, ये किसका है वो भी मैं बता दूँगा बाइक राइड करते करते। और अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज अभी जाते जाते ना क्या होगा कि मेरे पास तो माइक नहीं है। देख सकते हो कैमरे में कोई माइक नहीं लगा हुआ है। जो एक्सटर्नल माइक, इंटरनल माइक है ना, उससे थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, वो तो बस क्या बताना, उसमें कुछ आवाज़ तो ज़्यादा नहीं आती, बाइक की ज़्यादा आवाज़ आती है उसमें। तो आते समय माइक फिट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा मेरे बाइक का क्या हाल हुआ है, क्या हुआ है। तो गाइस करते हैं राइड शुरुआत, बिकॉज देख सकते हो मौसम भी ख़राब है। सुबह से यार भयंकर तगड़ी वाली बारिश हुई थी यार। तो अभी थोड़ा बहुत मतलब अभी बिल्कुल तो बंद नहीं हुआ, बट थोड़े थोड़े छिट्टे छुट्टे आ रहे। तो मेरा जो ऑर्डर आ रखा पहले उसको ले लूँ। तो जो मेरा बाइक ख़राब हुआ था ना, वो भी मैं अपने ब्लॉग में ले लेता, बट क्या हुआ ना, तो मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था उस टाइम, क्योंकि मेरे पास तो माइक नहीं था, तो उसको मैं कवर नहीं कर पाया। तो अब जो माइक आ गया ना, उसके बाद जब मैं बाइक लेने जाऊँगा तो सारा मैं आप लोगों को कवर कर दूँगा, कितना लगा खर्चा, क्या हुआ, मैं सब आप लोगों को मैं बता दूँगा। तो करते यार गाइज राइड को स्टार्ट। भाई आवाज़ तो ज़्यादा नहीं आएगा, जैसे बाइक चलेगी तो आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत करता हूँ मैं कवर। यहाँ से करते हैं बाइक को स्टार्ट, और बिल्कुल ऑफ रोड है यहाँ से, 16-17 किलोमीटर होगा कुमारहट्टी आगे। एक दो बार तो फिसल गया था यार यहाँ से, यार थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा भाई। RC चला के ना भाई, NS जो नेक्ड बाइक होती है ना भाई, ऐसा लगता है जैसे साइकिल चला रहा हूँ। ये देखो ऐसा लगता है साइकिल चला रहा हूँ, बट यार कुछ मज़ा नहीं आता यार चलाने में। तो अपने RC मज़ा है भाई, थोड़ा सा मतलब लीन होके राइड करना पड़ता है, बट वही अच्छा लगता है मेरे को। तो अब तो यार पहले थोड़ी दिक्कत होती थी, बट अब तो वही अच्छा लगता है। बारिश ने भाई आजकल तो धुआं डाल रखा है भाई, धुआं दे रखा है बारिश ने भी। डेली हो रही बारिश, रात भर दिन भर बस बारिश ही बारिश। ओए होए यहाँ से तो बताऊँ मैं क्या हुआ क्या मेरे साथ। ओए होए आहा भाई, पैर ऐसे फिसल रहे ना भाई। हाय हाय मज़ा आ गया रे। कॉल करते जरा बंदे को यार, कहाँ मिलेगा बंदा। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, कहाँ हो? एक
कुमार की पेट्रोल पंप पे थी। अच्छा नाहन रोड पे मिलोगे मुझे? नाहन रोड पे। किस नाम से आपका ऑर्डर? क्रिश क्रिश जी क्रिश पड़ेगा जी मेरे को। आके मैं कॉल बैक करता हूँ जी आपको। ओके ओके। अच्छा मेरा लेट हो गया बहुत है। कोई नहीं कोई नहीं। एक तो गया था मैं वहाँ ओके थैंक यू। तो गाइस ये मिल चुका है मेरा माइक, अभी थोड़ा देर के बाद इंस्टॉल करूँगा मैं। पहले सजिया खरीद लूँ मैं। तो गाइस ये है जो मेरा सब्जी जो खरीद रहा था मैंने, इसको डालते हैं बैग में। और माइक ना अभी इंस्टॉल करता, बट यार देख सकते हो यार पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा हो, यहाँ बारिश हो रही है यार तगड़ी वाली। तो माइक के लिए तो यार देखना पड़ेगा क्योंकि इधर तो बारिश हो रही है, अगर आगे जाके थोड़ा सा बंद हुई ना तो तभी माइक लगाऊंगा। और अभी करता हूँ मैं कैमरे को, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में ना बारिश से भीग जाए। मैंने साइड का जो है ना साइड वाला जो कवर है वो नहीं लगा रहा था, वहाँ से पानी घुस जाएगा, नहीं तो ऐसे तो वाटर प्रूफ होता है। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ कैमरे का। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और अभी मैं चला था वहां से 5 बजे यहां से, और अभी हो चुका है टाइम 8:04, यानी कि टोटल मुझे लगे 3 घंटे, आने का 1 घंटा, जाने का 1 घंटा और घूमने का 1 घंटा। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, मैंने बताया था कि शुरू में कि आते समय बातें करेंगे, बाइक के बारे में बताऊँगा। तो आते समय ये हुआ कि भाई तगड़ी वाली बारिश हो रही थी, और मैंने ये माइक है ना इसको भी अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को काफ़ी देर हो चुका था, अंधेरा होने वाला था, तो मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया। मैंने सोचा कि घर पे जाके अनबॉक्सिंग करता हूँ और चेकआउट कर लूँगा घर में जाके, तो इसलिए मैंने आते समय वीडियो नहीं बनाया। तो जो बाकी बाइक है ना वो तो लाते समय मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा कि उसके साथ क्या हुआ था, कि क्या सब हुआ था, क्योंकि अभी मैं बताने लग गया ना तो अभी फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और यह है मेरा पुराना वाला माइक, और यह है कैमरा जो अभी लाया मैंने, ये माइक है, इसको लगा के मैं चेकआउट करूँगा कि मतलब वर्क कर रहा है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है यार ऑनलाइन का, तो आप लोगों को पता ही है कि कभी कभार जो हम मंगाते हैं ना जो प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी सामान हो ना वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। कि बिकॉज़ एक बार मेरे दोस्त ने मंगाया था फ्लिपकार्ट की अमेज़ोन से मंगाया था, तो उसने मंगाया था वायरलेस माइक, तो वो अच्छे से वर्क नहीं किया, नहीं कर रहा, नहीं अच्छे से वर्क नहीं किया उसने। तो इसमें ये भी होता है कि रिटर्न भी हम कर सकते हैं, बट उसने नहीं किया, तो देखते हैं, लेट्स सी। तो ये पहले हम वायरलेस माइक को निकालते हैं। ओए ओए गिर गया भाई, अकेले में ना शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार, एक हाथ से पकड़ो फ़ोन को एक हाथ से शूट करो। तो ये यहाँ पे घुसाते हैं। ओए ओए। और ये इसका माइक। हेलो 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 गाइस, हेलो 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 चेक, हेलो चेक चेक, हेलो 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 चेक चेक। अब करते हैं इसको सेव। तो गाइज ये ना बिल्कुल बेस्ट वाली वॉइस आ रही है इसमें, तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि इसका भाई हेलमेट में ना लगाने का जुगाड़ बहुत ही मस्त है इसका, देख सकते हो छोटा सा है बस। अबे यार खड़ा तो हो जा भाई, छोटा सा मतलब ज़्यादा भी वायर लंबी भी नहीं है। और ये पहले वाला देखो, एक तो ये डिब्बा ऊपर से इतना लंबा वायर, तो जो ये हेलमेट है ना भाई इसमें देख सकते हो कहाँ कहाँ डालूँ यार मैं, देखो जरा यार कैसे करके डालूँ मैं इसको पूरा पूरा। तो सबसे बेस्ट तो मेरे को यही लगा भाई कि ये सबसे बेस्ट है ये वाला माउनो का ये वाला। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों के सामने किया चेकआउट, करूँगा मैं मोटो ब्लॉग में टेस्ट करके कि कैसा आता है इसका रिस्पांस।